कल्याण की खाड़ी से रेती निकालने वाले व्यापारियों पर उनके विरोध में जिला अधिकारी और तहसीलदार ने धड़क कार्रवाई की थी, जिसमें 72 करोड़ की मालमत्ता जब्त की गई थी। इसके विरोध में रेती व्यवसायों ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है। उच्च न्यायालय ने रेती व्यवसायों के विरोध में होने वाली कार्रवाई पर 25 अप्रैल तक स्थगन आदेश दिया है। कल्याण के तहसीलदार को 8 दिनों के अंदर प्रतिज्ञा पत्र सादर करने का आदेश भी दिया गया है। कल्याण रेती बंदर पर स्वयं रेती व्यवसाय को रंगे हाथों थाने जिला अधिकारी ने अपने दल बल के साथ धर दबोचा था। उनके सेक्शन पंप, रेती निकालने वाला ड्रेजर आदि उन्होंने जब्त कर लिया था। उन पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनसे दंड की रकम भी ले ली गई। रेती निकालने का साहित्य नष्ट करते हुए निकाली गई रेती फिर से खाड़ी में डलवा दी गई। इस संदर्भ में रेती व्यवसायी इस कार्रवाई के खिलाफ व्यवसायी यूनाइटेड कंपनी के अशफाक डॉन, सलीम खोद आदि ने उच्च न्यायालय में न्याय मांगने के लिए याचिका दायर की है। न्यायालय ने उनकी इस मांग को 25 अप्रैल तक का स्थगन आदेश दिया है। जब्त की गई रेती के साथ 1,95,00,000 की उनकी रेती भी खाड़ी में डाल दी गई। इससे काफी महसूल का नुकसान हुआ है और 5,000 कामगारों की रोजी चली गई है।